गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो मेरे वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, ये है ककड़ी, जो कि हमारी भाषा में बोलते हैं ककड़ी और हिंदी में बोलते हैं खीरा। तो आज ये है घर का खीरा, तो मैं बनाऊंगी इसका रायता। तो रायते के लिए ये ककड़ी ले ली है मैंने और मैं इसे करूंगी कद्दूकस। तो इसके मैंने दो पीस कर लिए हैं और इसे मैं घिस लूंगी। तो ये पीली वाली है क्योंकि ये पक्की हो गई है। तो यहाँ पे मैं कद्दूकस कर रही हूँ खीरे को, और जो इसका रायता होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस हो गई है ककड़ी। तो मैंने एक बाउल ले लिया है और मैं जो कद्दूकस की हुई ककड़ी को इस बाउल में डाल दूँगी, और साथ में मैंने डाल दी है दही। तो दही मेरे घर की नहीं थी, बाज़ार की है। और यहाँ पे मैंने रख दिया है गैस पे तवा और उसमें डाल दिया है मैंने जीरा। तो मैं जीरे को थोड़ा सा भून लूँगी, और जीरा जब भून के रायते में डालो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने जीरा भून लिया है, अब मैं इसे पीस लूँगी। तो भुने हुए जीरे को मैंने पीस लिया है और अब मैं इसे रायते में डाल दूँगी। तो इसमें खीरा डाल रखा है, दही डाल रखी है और साथ में मैंने डाल दिया जीरा। ये देखिए, और अब मैं पीस लूँगी सिलबट्टे में नमक। तो मैं जब भी खीरा बनाती हूँ तो सिलबट्टे में ही नमक पीसती हूँ, वैसा वाला नमक, ये जो सफ़ेद नमक वैसा ही होता है, वैसे नहीं डालती हूँ मैं, पीस के ही डालती हूँ। तो इसमें मैंने हरी मिर्च और नमक पीस लिया है। तो मैं ये इसी नमक को डालूँगी रायते में, और ये जो सिलबट्टे में पिसा हुआ नमक होता है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अब मैं इसमें सिलबट्टे में पिसा हुआ नमक डाल दूँगी। तो ये देखिए, नमक डाला मैंने और बचा हुआ मैंने कटोरी में निकाल लिया है। अब मैं इसे मिला लूँगी। तो उत्तराखंड में तो आजकल सीजन है ककड़ियों का, तो लोग आजकल खूब रायता खा रहे होंगे गांव में। और ये देखिए, बनके तैयार हो गया है मेरा रायता। बूंदी वाला रायता तो बहुत खाया होगा आपने, लेकिन ये जो ककड़ी का रायता होता है ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने काना के लिए चावल रख दिए हैं और अब मैं दे रही हूँ उसे रायता। तो मैंने बनाई है मसूर की दाल और चावल, और साथ में है घर की ककड़ी का रायता। तो ये मैंने रायता रख दिया है काना के लिए, और सच में बहुत ही टेस्टी हो रहा था ये रायता। तो दोस्तों, एक बार ऐसा रायता ज़रूर ट्राई करें।